नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा। और आपको मैं बता दूं कि मुन्ना बजरंगी यानी कि डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या में शामिल दो लोग और शामिल थी। कहा जा रहा था कि जो सुनील राठी है उसके अलावा एक और व्यक्ति है जो जिसने मुन्ना बजरंगी की हत्या में पूरा सहयोग किया था। अब आप इस हेडलाइन को देख सकते हैं कि क्योंकि कई दर्शक हैं जो कहते हैं कि ये जो खबर है झूठ है और इस तरीके से की खबर फैलाई जा रही है झूठ है। तो मैं आपको बता दूं कि डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या में शामिल थे दो लोग। अब हुआ ये बड़ा खुलासा। मैं आपको अब पूरी खबर पर नज़र डालता हूं और बताता हूं कि आखिर मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए सुनील राठी के अलावा और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दूसरी तरफ से पिस्टल से गोली चलाई थी। मैं आपको बता दूं, माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी के अलावा भी एक अन्य बंदी लिप्त था। वह बंदी कौन है, पुलिस भी इसकी गुपचुप तरीके से जांच में जुटी है। राठी के फतेहगढ़ जेल शिफ्ट हो जाने के बाद बंदियों ने पेशी पर आने के दौरान इस तरह के बयान दिए हैं। सुनील राठी के अलावा एक व्यक्ति और है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसने सुनील राठी के साथ मुन्ना बजरंगी को मारने में पूरा सहयोग किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे इस बात को भी बल मिलता है कि पिस्तौल एक नहीं दो थे और पुलिस जांच में जुटी है कि लेकिन अभी मुंह नहीं खोल रही है। पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी है, हर एंगल से जांच कर रही है कि मुन्ना बजरंगी को किस तरीके से मारा गया है, किस तरीके से प्लान। हालांकि पहले भी खबर आई थी कि मुन्ना बजरंगी को मारने से पहले रेकी की गई थी और सुनील राठी का अगर देखा जाए, उसका जो जुर्म का कारनामा जो खंगाला जाए तो उसमें बताया जाता है कि सुनील राठी कभी खुद वारदात को अंजाम नहीं देता था, वो अपने गुर्गों के द्वारा वारदात को अंजाम देता था। और इस वो जब कोई वारदात के लिए अपने गुर्गों को भेजता था तो दो गाड़ी यूज करता था, एक जब हत्या करना हो और हत्या करने के बाद। ये दो चीज़ों का जिक्र भी हुआ है और इससे इस बात को भी बल मिलता है कि पिस्तौल एक नहीं दो थे। पुलिस जांच में जुटी है लेकिन अभी मुंह पूरी तरीके से नहीं खोल रही है। पुलिस जब पूरी तरीके से जांच कर लेगी तब उसको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि आखिर एक व्यक्ति और कौन है। अब एसपी जयप्रकाश ने कहा है कि हर बिंदु पर जांच चल रही है, वारदात में कितने लोग थे, कैसे हुई, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। अब क्राइम सीन भी कर रहे हैं इशार, जो क्राइम किया हुआ है उसकी जो एंगल है, जो सीन है, वो भी कई दौर पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर बैरक के बाहर प्लास्टिक की तीन कुर्सियां और एक स्टूल रखा था, एक पर कपड़े की गद्दी बनाई गई थी, तो माना जा रहा है कि इस पर मुन्ना बजरंगी को बैठाया गया होगा। एक स्टूल पर सुनील राठी और दूसरे पर भी कोई ना कोई बंदी बैठा था, वह कौन था ये पहेली बनी हुई है। यानी कि इतना कारनामा होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं चला कि आखिर जेल में सुनील राठी ने आकर के ये सारे वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि इस साजिश के पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खुलासा होगा जब भी अगर लोग पकड़े जाएंगे। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद वायरल किए गए फोटो भी वारदात में एक से अधिक लोगों के शामिल होने की थ्योरी की पुष्टि कर रहे हैं। जिस तरह पहले हत्या की, फिर फोटो वायरल किए, फिर गोली मारी और फिर फोटो वायरल किए, इससे लगता है कि बजरंगी के शव के पास काफ़ी देर बाद पुलिस पहुंची। हमलावर काफ़ी देर तक बजरंगी की लाश के पास रहे हैं और कहते हैं कि विक्की से 10 बार हुई पूछताछ। विक्की कौन है, मैं आपको बता दूं, माफिया मुन्ना बजरंगी के साथ बैरक में आखिरी रात बिताने वाली विक्की सुनहेड़ा से पुलिस और जांच टीम अभी तक 10 बार पूछताछ कर चुकी है। विक्की ने हर बार एक ही बयान दिया कि वारदात के वक्त वह बैरक के शौचालय में था, राठी और बजरंगी बाहर थे, इसके बाद गोली चलने की आवाज़ें आईं, इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता है। यानी कि सुनील राठी भी उसी जेल में था क्या,
ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि किस तरीके से अंजाम दिया गया है सुनील राठी ने, बड़े ही फिल्मी फिल्मी लहजे में कहीं ना कहीं मुन्ना बजरंगी को मार दिया। यूपी पुलिस और यूपी जेल में आखिरकार इस तरीके की चीज़ें भी होने लगी हैं, क्योंकि किसी भी कैदी को कभी भी कोई भी मार सकता है। वहाँ के लोग, वहाँ की पुलिस, वहाँ के बंदी जो सिपाहिया होते हैं, उनको क्या घूस खिला करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और अगर आज मुन्ना बजरंगी को मारा गया है, कल के दिन क्या भी खबर आ रही थी कि एक योगी जो है, योगी के है एक कैदी है जिसको 20 लाख की सुपारी दी गई है और उसको मारने के लिए, और जहर उसके चाय में जहर मिलाया गया, हालत गंभीर है उसकी। तो ऐसे में ललितपुर ये जेल में हुआ है, तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। जेल प्रशासन की जो नाकामयाबी है, जो वो इन चीज़ों को रोकने में बिल्कुल भी सब ठीक नहीं है। जेल में अगर ऐसी वारदात हो जाती है तो कई सवाल खड़े करते हैं। क्या जिला कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है? कोई भी किसी को मार देता है। मुख्तार अंसारी को भी अपनी जान को लेकर खतरा है। अगर सुनील राठी मुख्तार मुन्ना बजरंगी को मार सकता है, तो मुख्तार अंसारी के भी दुश्मन बहुत सारे हैं जो मुख्तार अंसारी को जेल में जा कर के मार सकते हैं। जब सेटिंग यहाँ हो सकती है तो हर जेल में सेटिंग हो सकती है, क्योंकि पैसे हर कोई चाहता है और पैसे की भूख इतनी होती है कि हर कोई, यानी कि पुलिस भी बिक जाती है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का ध्वस्त हो चुका है, जहाँ जेल में लोगों को, कैदियों को जहर खिला दिया जाए, कैदियों को मार दिया जाए, तो ऐसे में जेल में कैसे कोई दाखिल हो सकता है? सबसे बड़ी वजह है, जेल में क्या कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे जिसके कारण कैदी को खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुन्ना बजरंगी के पीछे एक और व्यक्ति कौन था जो वारदात को अंजाम देने में सफल हुआ है? सुनील राठी ने एक गोली चलाई तो दूसरा कौन था? क्योंकि कहते हैं कि उसके सीने को छन्नी कर दिया गया था, 10 10 कारतूस मिले हैं, और 10 कारतूस का मतलब भी कि लगातार लोगों ने गोलियां चलाई हैं। सुनील राठी और उसके कोई भी जो सहयोगी होगा, उसने पूरी तरीके से गोलियां चलाई हैं। अब ऐसे में क्या लगता है कि सुनील राठी, और ये बात अगर सुनील राठी ने उसकी हत्या की है, तो इस ये बात सिर्फ सुनील राठी ही कबूल कर सकता है कि उसने, उसके साथ ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है? सुनील राठी को पूरी तरीके से पता होगा कि अंजाम, जब हम वो मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए आया था, तो उसके साथ और कौन सा शख्स था जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है, और इसमें कौन कौन शामिल है? पूरी वारदात को अंजाम देने से लेकर के जेल प्रशासन की पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जेल के अंदर बंदूक कैसे आई, कारतूस कैसे आए, किस तरीके से वहाँ जो जिसने मारा है वो किस तरीके घुसा, बंदूक किस तरीके से आई? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सुरक्षित यानी कि मुख्तार अंसारी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर राठी जैसे, सुनील राठी जैसे लोग मुन्ना बजरंगी को मार सकते हैं, ललितपुर की जेल में कैदी को जहर दे दिया जाता है, तो ऐसे में क्या बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी बख्शा जाएगा? क्या मुख्तार अंसारी को भी इसके उनके दुश्मन कहीं ना कहीं इस फिराक में होंगे कि किस तरीके से मार दिया जाएगा? और अभी तक ये बात आती थी कि बीजेपी ने ही मरवाया होगा, बीजेपी ने ही सारी चीज़ें की होंगी, और बीजेपी के जो नेता हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि
मुन्ना बजरंगी जैसे मारा गया वैसे ही मुख्तार अंसारी को मारा जाएगा। तो इस पर अभी पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर सुनील राठी के अलावा मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए और कौन सा शख्स था। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।